लेकिन एसी जो ब्लास्ट हुआ है वो एसी ये छज्जा गिरते हुए सारा पीछे तक गिरा है, दीवार वगैरह जब गिर गई तब धुआं काली धुआं ही धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा था। दोनों बच्चे वहाँ थे, ये बाहर बैठी हुई थी साथ में, बच्चों पे नहीं गिरी, इन पे गिरा। ब्लास्ट हुआ है बहुत तेज, बड़ी तेज ब्लास्ट हुआ था। बोला जी बोल के गए कमरा खाली, मकान खाली कर दो, खतरा है। साथ वाली दीवार से भी खतरा है, अभी बहुत खतरा है यहाँ पे। दो कमरे, किचन और ये सीढ़ियाँ, इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। एसी है वो ज्यादा, वो उसका कंप्रेसर हाई हो गया, वो उसकी वजह से वो फट गया। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। बढ़ती गर्मी के साथ ही लगातार दिल्ली से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिंदापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संजय इनक्लेव इलाके में, जहाँ पर कल दोपहर को आग लगने की सूचना मिली। इसमें कितने लोग घायल हुए, आग लगने की वजह क्या सामने आ पाई या फिर नहीं, तमाम सवालों के जवाब आज की इस खबर में आपको देंगे, तो इस खबर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या हुआ था यहाँ पर कल? हम लंच कर रहे थे, उस टाइम ब्लास्ट हुआ एकदम, देखा तो एसी इनके घर पर गिरा पड़ा था, फिर हम भागे, आग लगी, पीछे से हम कूदे हैं। कितने बजे की घटना? 2 बजे की, दोपहर दो बजे। कौन से फ्लोर में? सेकंड फ्लोर? ये सेकंड फ्लोर पे हुआ है, हम फोर्थ टॉप फ्लोर पे रहते हैं। कोई घायल भी हुआ है? हाँ, मेरे बच्चे थोड़े चोट लगी है हल्की फुल्की। अच्छा। और उनका लड़का जला है, 20% कह रहे हैं कि 25% करा जले हैं, वो जल के भागा है, नीचे उतरा है। अच्छा। हमने सुना था एक लड़की कूदी भी अपने आप को बचाने के लिए। कूदी थी वो, तो यहाँ रहती थी, यहाँ से उस सापट में से आग निकली है, वो एकदम भागी है। अच्छा। टोटल कितने लोग घायल हुए? टोटल तो एक लड़का ज़्यादा घायल हुआ, बाकी तो नॉर्मल चोट लगी है। हाँ, घर पे आ गए हैं छुट्टी लेकर? छुट्टी नहीं, वो तो नॉर्मल हल्का सा ट्रीटमेंट हुआ है, छिला है बस खाली जो है। अभी लड़का कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? वो सफदरजन में है। सफदरजन? हाँ। तो बाकी परिवार कहाँ है? सब उनके तो सफदरजन में ही है। हाँ। क्या कुछ हुआ था, कैसे आग लगी थी, कुछ वजह सामने आ पाई है? ये तो शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, कोई तो शॉर्ट सर्किट बता रहा है, अब हमें तो ये सिलेंडर ब्लास्ट सुना, कोई सिलेंडर बता रहा, लेकिन जो सिलेंडर चेक करने आए थे एजेंसी वाले, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर ओके हैं, हमारा भी सिलेंडर चेक करके हैं, सबका सिलेंडर चेक करके गए हैं, लेकिन एसी जो ब्लास्ट हुआ है वो एसी ये छज्जा गिरते हुए सारा पीछे तक गिरा है। अच्छा। सामने वाले मकान को भी नुकसान हुआ? हाँ, सामने वालों को डैमेज हो, बच्चे हैं वो भी, इनके बहू के मतलब टाँके लगे हैं, छत गिरी है ना इस पर पूरी, इस पर दरवाजा यहाँ से जो है दो गली पीछे जाके गिरा है। अच्छा। दरवाजा यहाँ से दो गली पीछे, और अभी एसी इन्होंने 1.5 महीने पहले नया लिया है। अच्छा। अब क्या क्वालिटी है, लोकल था क्या था, ये भी नहीं पता, ये तो बताएंगे। यही सामने नहीं आ पाया कि आग किसकी वजह से लगी है। अब ये जो गाड़ियाँ आई थी फायर, दो गाड़ी आई थी लेकिन एक ही गाड़ी से काम हो गया था। कितनी देर लगी थी आग पर काबू आने? गाड़ी कम से कम आई थी आधे घंटे में, काबू करने में उनको 15 मिनट लगे थे। आग इतनी ज़्यादा भीषण नहीं थी, बस धमाका हुआ है? नहीं, आग तो तेज थी, बहुत तेज थी, आप देखो ऊपर जाके पूरा काला है, आप ऊपर जाके चल के देख सकते हो। बंद कर दिया होगा ना फिलहाल? तो खुला हुआ है, आप चल के चलो मैं दिखाता हूँ। ऊपर रह रहे थे लोग, उन्हें मना कर दिया होगा रहने से? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं, खाली करने को नहीं बोला, खाली करने के लिए कोई नहीं। अभी जैसा कि तस्वीरें दिख पा रही है, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वहाँ से टूट गया है, तो कोई खतरा नहीं बताया रहने में अभी इस पर? नहीं, बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, ओनली दीवार गिरी है। दीवार बिल्डिंग सेफ है? मकान सेफ है, पिल्लर भी ठीक है, सारा कुछ ओके है, ओनली ईंटें गिरी है खाली। ठीक है, तो आप लोग अभी यहीं रह रहे हो उसमें? अभी तो नहीं रह रहे, लेकिन हम रह रहे हैं, अब देखेंगे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। कोई कंप्लेंट वगैरह करवाई गई आप लोगों के द्वारा? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट करी है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, क्या देखते हैं। कौन से थाने में गया मामला? बिंदापुर थाना। कौन देख रहा है आपका केस? ये अभी पता नहीं, अभी हमारे सामने कोई आया नहीं है, बाकी पुलिस वाले आए थे वो चले गए अपना लिख के, अभी हमारे सामने कोई आया नहीं है, कौन आई हो। तो देखिए, मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर, आप देखेंगे सेकंड फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिली थी, और जो फिलहाल इस मकान की आप हालत देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है, दीवारें जो हैं पूरी तरह से चकनाचूर नज़र आ रही हैं, और अगर मैं इस तरफ की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से नुकसान यहां पर हुआ है। और फिलहाल जो परिवार था, यानी कि जिस लड़के की बात कही जा रही है जो घायल है, उसका सफदरजंग में इलाज किया जा रहा है, जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा सूचना दी जा रही है। माता जी, आप भी थे यहाँ पर जब हुआ ये? मैं नहीं थी, मैं बाद में आई हूँ, जब ये दीवार वगैरह जब गिर गई तब धुआं काली धुआं ही धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा था, तब यहीं रहते हो आप? हाँ, ये सामने आगे गली में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं हम लोग। हाँ, तब देखा था आपको धुआं कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, इस करके पुलिस को फ़ोन करा, एम्बुलेंस को फ़ोन करा कि जाके दे, तभी लड़का दौड़ के यहाँ से नीचे से
आया सड़ा पड़ा सो हाथ पैर मूव करो काफी जलन हुई पड़ी। इनके घर में देखो ना सारे, इसकी बहू को चोट लगी है सिर फाड़ के टांग पे। आ गए या हॉस्पिटल? नहीं, कल हॉस्पिटल पे आ गए थे पर रात को कुछ सोने को जगह नहीं थी। वो प्रीतमपुर अपने चाचे के घर में गए। सास उसके अंदर, ससुर उसका अंदर है, अंदर देख के उनके अंदर। आसपास के लोगों के द्वारा ये जानकारी भी दी जा रही है क्योंकि ये जो दीवारें हैं वो टूटकर इस मकान के ऊपर गिरी थी और यहाँ पर रहने वाले भी कुछ लोग घायल हुए हैं जैसा कि बताया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा ही। इसके अलावा सामने वाले मकान में भी जो नुकसान है वो हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है जब ब्लास्ट हुआ तो सामने तक वो जो सारी चीज़ें थी वो गई हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर कैमरा पर्सन से कहूँगी आप फोकस कर पाए इस वाले मकान पर आप दिखा पाए, यहाँ पर जो है नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है फिलहाल। देखिए इस वक्त उस पड़ोस के मकान में हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं जहाँ पर इस ब्लास्ट की वजह से थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली। ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कितने बजे हुआ था ये सब कुछ? कल दिन में 2 बजे हुआ है। 2 बजे? हाँ जी, ब्लास्ट हुआ है बहुत तेज, बड़ी तेज ब्लास्ट हुआ था। हम अंदर ही थे चारों, हम दो मेरे पोता पोती और मैं बहू, दोनों के बहू के ज्यादा चोट लगी है सबसे ज्यादा। बहू अभी मतलब ये इधर की तरफ से आप लोगों को चोट लगी? हाँ जी, इधर से भी लगी। अभी मलबा उठ गया है यहाँ से, मलबा वाला उठा दिया है। ये जो ये चीज गिर गई? हाँ जी, ये चीज गिरी है। अच्छा, ये जो पट्टियाँ डली हुई थी ये टूट कर गिरी? ये टूट के गिरी, जो दीवार गिरी है। हाँ, एक ही ये जीना टूट गया है, ये रहा। इतने तेज हुआ कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी टूटी है, ये उधर भी देखो वहाँ भी टूटा है, वो कमरे की। अभी ऐसा तो नहीं बोला आप लोगों को खाली करने के लिए कोई और खतरा हो के और गिर सकता है? बोला है जी, बोल के गए कमरा खाली, मकान खाली कर दो, खतरा है। साथ वाली दीवार से भी खतरा है, अभी बहुत खतरा है यहाँ पे, यहाँ पे रहना नहीं है, मना करके गए हमें। हाँ जी, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं एक बार इस तरफ, अगर आप दिखाएंगे तो ये ऊपर से जो आ रही है वो जो दीवार टूट के आई थी, तो पहले इनके जो कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, पटिया टूटी है जिसकी वजह से अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें चोटें लगी है। आपकी बहू के सर में टांके हैं हमने सुना? कितने टांके हैं? 7 टांके हैं जी। और भी कोई घायल हुआ है? मेरे घूम चोट लगी है, मेरे हाथ पे लगी है, यहाँ हुई है। एक रास्ते में जा रहा था उनको टाकिया, ऊपर लड़का जला है एक 17-18 साल का था, वो जल गया काफी सारा, जहाँ पे जिसमें आग लगी है उसके भी काफी चोट लगी है, वो सब दर्जन में दाखिल है। बहू आपके भी ठीक है? बहू ठीक है, बहू घर पे है, वैसे कहीं भेजा हुआ हमने उसको, मन की यहाँ रहने की जगह नहीं थी इसलिए मैके भेज चुके हैं। काल लिया था किसी ने घुस के अंदर, नहीं तो वो मरी जाते अंदर बेचारे दोनों बच्चे, एक 4 साल का। जापान से वो कुछ समझने का मौका नहीं मिल पाया? कुछ भी समझ का मौका नहीं, इतनी तेज हुआ एकदम दीवार गिरी, हम तो अंदर दबी जाते बच गए। क्या एकदम पूरा मोहल्ला ही काम गया, जो बच्चे बच गए उनके, बस बहुत बच्चों को बच गए। ये बैठे हुए थे दोनों बच्चे वहाँ थे, ये बाहर बैठी हुई थी साथ में, बच्चों पर नहीं गिरी, इन पर गिरा, घूम चोट है उसके, तो काफी सारी चोट लगी है कमर में, कमर में लगी है। कैमरा पर्सन से कहूंगी आप एक बार इस तरफ से फोकस करके दिखाएं, ये जो पूरी पट्टियां है जो टूट के गिरी थी और यहीं पर इनके जो बच्चे और बहू थे वो बैठे हुए थे। किचन में भी टूट के गिरा है? कुछ टूटा नहीं है, सिल्ली टूट गई है वैसे, ये कमरे की दीवार, ये कमरे की सिल्ली टूटी पड़ी है सारी। इस तरफ भी अगर आप दिखाएंगे, यानी कि दो कमरे, किचन और ये सीढ़ियां, इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और जिस जगह पर आग लगी है वहां पर तो जो नुकसान है वो हमने आपको दिखाया है, वहां की भी दीवारें पूरी तरह से टूट गई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है चीजें। लड़का बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा जला है वो, सिर्फ एक लड़का जला है वहाँ से, बाकी सब ठीक एक ही था वो, नहीं था ही नहीं, वो ही अकेला ही घर पे था, मम्मी और उसकी बहन ड्यूटी गई हुई थी। कुछ पता चला क्या चीज हुई? क्योंकि कोई कह रहा सिलेंडर, कोई कह रहा एसी, कुछ समझ नहीं फटा एसी, कोई लोग कह रहे हैं कि एसी नया लगा था, नया लगा एसी फटा जी, सिलेंडर कुछ नहीं, एसी ओनली एसी। सामने आया है जांच में, स्प्रिट एसी है वो, ज्यादा वो उसका कंप्रेसर हाई हो गया, वो उसकी वजह से वो फट गया, सिलेंडर कोई नहीं फटा है, नहीं ये सब अफवाहें हैं, एसी फटा है बस, वो सामने वाली छत पे पड़ा भी हुआ है अभी भी। हाँ लोग रह रहे हैं? हाँ रहते हैं वहाँ पे, एसी ही है, कोई सिलेंडर नहीं है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है कि सिलेंडर फटा है, एसी। तो समझो मकान में रहने वाले बोल रहे हैं उनको खाली करने को नहीं बोला है? नहीं वो तो ऊपर रहता ही नहीं, ऊपर वाला तो खाली है, इस जगह के थर्ड वाला वो खाली है, उससे ऊपर रहते हैं। अच्छा। नीचे वाला भी खाली है, इसी में रहते थे, इसी में वो लड़का रहता था, वो अंदर था, वही पूरा जल गया है। देखिए अगर आप फिलहाल इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे, जो पूरी दीवार है वो पूरी तरह से यहाँ पर गायब भी हो गई है, इतना जोरदार ये धमाका रहा होगा।
हालांकि यहां पर अलग अलग तर्क हमें सुनने को मिल रहे हैं। कई लोगों का कहना था कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि एसी में जो है ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये तो फिलहाल जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान है आप देख रहे हैं, पड़ोसियों को भी यहाँ पर चोटें आई हैं, पड़ोस का घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब फिलहाल ये जाँच का विषय है कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन बढ़ती गर्मी में लगातार ये जो आग लगने की घटनाएं हैं ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। लगातार आग लगने की घटनाओं से लोगों को परेशानियां आ रही हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी लोग एसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठंडक में बैठना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार ये जो लोग हैं हादसों के शिकार हो जाते हैं। फिलहाल एक व्यक्ति का इलाज जारी है और कुछ और लोगों को चोटें आई थी जिन्हें छुट्टी दे दी गई है इलाज के बाद। पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।